सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले श्रीलंका वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में जो सेकेंड ODI मैच खेला जाएगा उसके ड्रीम इलेवन पोजिशन के बारे में। और ये जो मैच खेला जाएगा गाली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका पर, जहां पर पिछला मैच खेला गया था वहां पर बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला था। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 10 बजे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब 9:30 को टॉस हो एंड टॉस के 10 मिनट्स बाद मैं अपना फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो इसके लिए टेलीग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना। और ओवरऑल अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल एक बैलेंस पिच है, स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एवरेज इनिंग्स की बात करें, फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर 236 एंड सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर 240। इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है एंड बहुत ही ज्यादा कम इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू पर खेले गए हैं। कौन कौन से प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है और उसी के साथ डेथ ओवर में कौन कौन से बॉलर्स बॉलिंग करेगा, सभी डिटेल्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं, सब लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मेरा जो फाइनल टीम होता है वो मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट कर देता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए सिंपली आपको यहाँ वीडियो के टाइटल के नीचे मोर बटन पर क्लिक करना होगा। मोर बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आप सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोग भी अच्छा खासा विनिंग करना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 विद स्टैट। ओपनिंग की अगर बात करें तो ओपनिंग में आपको नजर आएगा ब्रेंडन बी के साथ सुजी बेट्स। ब्रेंडन बी एक न्यू प्लेयर है, 14 मैचेस खेल चुका है, सिर्फ 13 का एवरेज है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, पिछले मैच में सिर्फ 12 रन स्कोर किया था। अगर स्विजी बेट्स की बात करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, 149 मैचेस खेल चुके, 41 का एवरेज है एंड पिछले मैच में 28 रन स्कोर किया था। सो ये आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है स्मॉल लीग में, मैं स्मॉल लीग में इसको पिक करने वाला हूँ। उसके बाद अगर एमेलिया कार की बात करें तो आपके लिए मास्ट प्रिकॉशन एंड कैप्टनसी और कैप्टनसी का सबसे अच्छा ऑप्शन है न्यूजीलैंड की टीम का। सो एमेलिया कार आपके लिए एक मास्ट प्रिकॉशन है, 60 मैचेस में 77 विकेट ले चुका है, 38 का एवरेज है बैटिंग से। बैटिंग से पिछले मैच में 40 रन स्कोर किया था एंड बॉलिंग से कोई भी विकेट नहीं ले पाया था, बट ओवरऑल अच्छा बॉलिंग करता है, सो आपके लिए मास्ट प्रिकॉशन है। उसके बाद सोफी डिवाइन की अगर बात, 2 राउंड पर बैटिंग करने आएगा और अच्छा प्लेयर है, ये भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, 135 मैचेस 90 विकेट 30 का एवरेज, पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, 19 रन स्कोर कर पाया था। उसके बाद मैडिक ग्रीन की बात करें, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते तो उस केस में आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पिछले मैच में 39 स्कोर किया था, 24 का एवरेज ओवरऑल। उसके बाद जॉर्जिया प्लाइमर की बात करें तो 4 मैचेस में 19 का एवरेज है एंड रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं, सो आप इसको इजिली ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद BH की बात करें तो 21 मैचेस में 394 रन स्कोर कर चुके, रिसेंट परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं, इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हो इजिली। उसके बाद HR की बात करें तो 45 मैच में 45 विकेट ले चुका है, आप इसको पिक कर सकते हो ग्रैंड लीग में। उसके बाद LT की बात करें तो 85 मैच में 94 विकेट ले चुका है, आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है स्मॉल लीग में। उसके बाद ईडन कार्सन की बात करें 2 मैच में 3 विकेट ले चुका है, रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस प्लस नहीं है। उसके बाद एफ जोन्स की बात करें तो 12 मैच में 8 विकेट ले चुका है, इसका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, इसको भी आप इजिली ड्रॉप कर सकते हो स्मॉल लीग से। देख लेते हैं श्रीलंका में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है इस मैच में। सबसे पहले अगर बात करें तो ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में आपको नजर आएगा CA के साथ VG, दोनों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। CA थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर है, 33 का एवरेज है, सो पिछले मैच में सेंचुरी भी किया था, आपके लिए मास्ट पे ऑप्शन है, इसको पिक जरूर कर सकते हो। दूसरे नंबर पर देखें, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी जरूर किया था बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 16 का एवरेज है, सो ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके बाद H महादेव की बात करें तो 21 मैचेस में 0 विकेट 24 का एवरेज है, इजिली ड्रॉपेबल है अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करते, सो उस केस में आप इसको पिक कर सकते हो। उसके बाद DN सिल्वा की बात करें 20 मैचेस में 21 का एवरेज 4 विकेट, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि श्रीलंका के पास उतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। उसके बाद अनुष्का शैन की बात करें 24 मैच में 12 का एवरेज है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। उसके बाद KD की बात करें तो 13 मैच में 29 का एवरेज, अच्छा प्लेयर है, इसको आप पिक कर सकते हो, 5 डाउन में बैटिंग करने आएगा। उसके बाद H करुणा रत्ने की बात करें 13 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, उतना अच्छा बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं आता है, सो ड्रॉप करके चल सकते हो, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। रिसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, 1 भी मैच में विकेट नहीं चटका है। उसके बाद OR की बात करें तो 32 मैच में 30 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है पर आपने टीम में रख सकते हो क्योंकि श्रीलंका के पास उतना अच्छा बॉलर्स भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद SK की बात करें तो 28 मैचेस 22 विकेट, अच्छा पिक हो सकता है इस ग्रैंड लीग के लिए स्पेशली। एंड स्मॉल लीग की बात करें तो ये दोनों बॉलर्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, IR एंड UP आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्मॉल लीग, दोनों को आप पिक करके चल सकते हो, मैं भी इन दोनों को पिक कर सकता हूँ, आपने टीम में देख लो। IR की अगर बात करें तो 16 मैच में 72 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। उसके बाद UPA की बात करें 59 मैच में 31 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है बट अच्छा बॉलर से, इसको आप पिक करके चल सकते, लेफ्ट और मीडियम पेसेस है, सो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, इसको भी आप पिक करके चल सकते। अब देख लेते हैं मेरी फाइनल टीम विद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। कैप्टन से वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन की अगर बात करें तो इसको आप इग्नोर करके चलना। कैप्टन से वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है सोफी डिवाइन, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है सुजी बेट, अच्छा ऑप्शन है एमिलिया कार, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, तीनों ही आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, इन तीनों में से आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो। उसके बाद मेरा टीम यहाँ पर आप देख सकते हो, विकेट की मैंने यहाँ पर BB को रखा है, उसके बाद सुजी बेट, एम ग्रीन एंड श्रीलंका की तरफ से CA, उसके बाद सोफी डिवाइन, एमिलिया कार एंड OR को श्रीलंका की तरफ से रखा है,
एंड बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया बॉलिंग में मैंने दो बॉलर्स को पिक करने वाले श्रीलंका की तरफ से एस कुमारी एंड आई आर को, एंड उसके बाद अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो एल टी की को मैंने पिक किया एंड एफ जे को मैंने पिक करके रखा है अपनी टीम में। आप चाहो तो एक दो चेंजेस कर सकते हो, बाकी टॉस के बाद जो भी अपडेट होता है वो मैं अपना अपडेटेड टीम टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, सो उसके लिए टेलीग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा ही और ड्रीम इलेवन पोजिशन रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए।